हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू ग्रीन साइड गार्डन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ सकुलेंट प्लांट्स के लिए जो सॉइल बनाते हैं उसे हमें कैसे तैयार करना है, यही सब शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक प्लांट लिया था स्प्रिंग अप बनाना, तो उसकी मुझे रिपोर्टिंग भी करनी थी और उसके लिए सॉइल तैयार करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं उसके लिए मैंने किस तरह सॉइल बनाई है और उसको मैंने कैसे रिपोर्ट किया। क्योंकि सकुलेंट प्लांट जो होते हैं इनके लिए सॉइल हमें एकदम हल्की बनानी पड़ती है, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना ठहरे, क्योंकि ज़्यादा पानी से क्या होता है कि ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं और गल के ही मर जाते हैं हमारे पौधे। तो इसलिए इनके लिए जो हमें सॉइल बनानी है वो ऐसे बनाए कि उसमें पानी बिल्कुल भी ना रुके, पानी डालते ही तुरंत निकल जाए। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरह से सॉइल तैयार की है, और वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये है वो बनाना सकुलेंट जिसकी मैं आज रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, और इसके लिए जो मुझे सॉइल बनानी है वो एकदम हल्की होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसे हैंगिंग बास्केट में लगाऊंगी। और इसकी जो सॉइल है एकदम पोरस, जिसमें पानी बिल्कुल भी रुके नहीं, वेल ड्रेन, ऐसी इसके लिए मुझे सॉइल तैयार करनी है। तो देखिए, मैंने इसके लिए पहले सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका पॉट। ये देखिए, मैंने इसके अंदर कितने सारे ये होल कर दिए, जैसे कि पानी इसमें बिल्कुल भी ना रखे, जैसे ही पानी डालूँगा वो तुरंत इसमें नीचे से निकल जाए। और अभी इसमें मैं ये ठीकड़ी ले ली, मैंने ये लगा देती हूँ एक एक करके इसमें, ये देखिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है इसके सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट 10%, और 10% ही इसमें ये नीम खली है, जिससे कि इसमें फंगस ना लगे, इससे हमारा जो प्लांट है वो एकदम सेफ रहेगा नीम खली से। और देखिए, ये जो आप इसमें वाइट कलर का देख रहे हैं ये परलाइट है, ये भी मैंने 10% लिया है। और ये जो दूसरा है ये वर्मी क्यूलाइट है, ये दोनों ही एरेशन में बहुत इसको हेल्प करेंगे प्लांट को, और इसमें जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, जैसे ही पानी डालेगा इसमें तुरंत ड्रेन आउट हो जाएगा। और ये मैंने सॉइल ली है 20% के लगभग, और ये है चारकोल जिसे कोयला भी कहते हैं, ये लिए हैं मैंने 10%, और 10% मैंने ये वर्मी सॉरी वो कोकोपीट ली है। और ये देखिए, अभी ये बिल्कुल रेड सॉइल से मैंने इसको बाहर निकाल लिया, बस थोड़ी सी मैं इसके अंदर लगी रहने दूँगी, जिससे कि मेरा प्लांट शॉक में नहीं आए। और अब मैं इसको इसके अंदर सेट कर दूँगी, जो इसकी रूट्स हैं वो इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है मुझे, नहीं तो ये प्लांट फिर ख़राब भी हो सकता है। और ये देखिए, ऐसे करके जो बाकी की सॉइल बची है वो मैं इसमें चारों तरफ से इसे डाल देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा प्लांट एकदम लग के तैयार हो गया है, ये देखिए। और अब बस अब मैं इसमें थोड़ा सा स्प्रे बॉटल से थोड़ा ये पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कम डालना, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये प्लांट ख़राब होता है तो ओवर वाटरिंग की वजह से ही ख़राब होता है, और क्योंकि मैंने अभी इसमें रेड सॉइल को पानी में डाला था तो उसका जो रूट बाउल है बीच में जो जहाँ उसकी रूट्स आ रही थी मिट्टी पहले ही गीली हो चुकी है, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। मैंने हल्का सा स्प्रे कर दिया है ये देखिए, और अब मैं इसको शेडी एरिया में थोड़े दिन के लिए रखूँगी और फिर इसको हैंग कर दूँगी मैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसको किस तरीके से हैंग करने वाली हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे बालकनी में हैंग कर दिया है, और ये बहुत सुंदर भी दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ,
तब तक के लिए बाय बाय।